उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसके तहत ही जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर भर्ती मरीजों को फल वितरण किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यक्रम में जिला महामंत्री डॉक्टर सुदेश चौहान, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही फल वितरण कार्यक्रम के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सभी कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ सीएम का जन्मदिन मनाया। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर सरकारी जो चिकित्सा केंद्र है हमारे जसपुर में, वहाँ पे फल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ता जोरों शोरों से मना रहे हैं। इसके तहत ही रुद्रपुर में भी भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सीएम धामी के जन्मदिन के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजित किया गया। रुद्रपुर स्टेडियम में आयोजित इस मैराथन दौड़ में सैकड़ों खिलाड़ी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस मैराथन दौड़ की शुरुआत विधायक शिव अरोरा ने हरी झंडी दिखाकर की। साथ ही मैराथन दौड़ में विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कार भी दिया गया। इसी दौरान भजायुमो जिला महामंत्री बिट्टू चौहान ने बताया कि सीएम धामी के जन्मदिन के मौके पर मैराथन दौड़ का उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति बढ़ावा देना है। युवा देश के रीढ़ हैं और नशे से दूर रहने के लिए युवा को खेल के प्रति उत्साहित करना है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा स्टेडियम रुद्रपुर में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ के दौरान यहाँ पे सैकड़ों युवाओं और युवतियों ने भाग लिया। जो युवा साथी जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया है उन सभी को माननीय विधायक जी और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं माननीय रामपाल जी, सभी के द्वारा उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। खेलों के द्वारा हम युवाओं को उत्साहित करने का काम हमारी सरकार द्वारा पहले भी किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी तरह से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी खेलों को पूरे उत्तराखंड में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।